गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हमारे हिंदी के पाठ का नाम क्या है? हिंदी के पाठ का नाम है बंदर और गिलहरी। तो इस कहानी में हमने कुछ चित्र देखकर उस पर हमने कहानी बनाई थी। तो आज मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी। तो बताइए, गिलहरी बंदर की पूंछ को क्या समझ के उस पर चढ़ गई थी? बोलो बोलो। जी हाँ, गिलहरी बंदर की पूंछ को झूला समझ के उस पे झूलने लग गई थी। और बंदर ने गिलहरी से क्या कर लिया था? बंदर ने गिलहरी से दोस्ती कर ली थी। बंदर कहाँ पे बैठा था? बंदर पेड़ की डाली पर बैठा था। तो क्या गिलहरी पेड़ पर चढ़ सकती थी? जी हाँ, अंत में गिलहरी पेड़ पर बंदर के पास चढ़ गई थी और उससे बातें कर रही थी। तो चलिए पाठ का अभ्यास शुरू करते हैं। पहला चित्र किसका है? चूहे का। दूसरा चित्र मगरमच्छ। तीसरा चित्र किसका है? गिलहरी का। चौथा चित्र किसका है? बंदर का। पांचवा चित्र घोड़े का। और छठा चित्र भालू का। अब आपका प्रश्न है, पेड़ पर कौन कौन चढ़ सकता है? सही निशान लगा के बताओ। तो बताइए, क्या चूहा पेड़ पर चढ़ सकता है? हाँ, चढ़ सकता है। अगला चित्र मगरमच्छ। मगरमच्छ चढ़ सकता है पेड़ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं चढ़ सकता। मगरमच्छ कहाँ पे रहता है? पानी में, या फिर कभी कभी जमीन पर भी रहता है। अगला चित्र किसका है? गिलहरी। क्या गिलहरी पेड़ पे चढ़ सकती है? जी हाँ, पाठ में भी तो गिलहरी पेड़ पे चढ़ गई थी। अगला चित्र किसका है? बंदर। क्या बंदर पेड़ पे चढ़ सकता है? जी हाँ। अगला चित्र किसका है? घोड़े का। क्या घोड़ा पेड़ पे चढ़ सकता है? नहीं। अगला चित्र किसका है? भालू का। भालू क्या पेड़ पे चढ़ सकता है? बिल्कुल भी नहीं। अब आपको अपनी कॉपीज निकालनी है और उसपे ऊपर हेडिंग लिखिए, पेड़ पर कौन कौन चढ़ सकता है? क्वेश्चन मार्क। सही निशान लगाकर बताओ। अब आपको ये चित्र बनाने हैं और उसके बाद उस पे सही निशान लगाने हैं जो पेड़ पर चढ़ सकता है। अगर आपके पास पुराना कोई एनिमल्स का चार्ट पड़ा है तो उसमें से ये एनिमल्स ढूंढकर उसको अपनी कॉपी में आप पेस्ट भी कर सकते हैं और उसके बाद उस पे सही निशान लगा सकते हैं।